बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट द रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। सो आज हमने देखना है कि बैक्टीरिया के रेस्पिरेशन किस तरह से होती है। तो ये डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया के पास अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कितनी है। तो इस बेस पर हम बैक्टीरिया को चार टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरिया, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया एंड द लास्ट वन इज़ द माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। सो आई विल डिस्कस फर्स्ट वन टाइप, दैट इज़ द एरोबिक बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ग्रो कर सकते हैं, यानी इन्हें अपने ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होना मस्ट है। फॉर एग्जाम्पल सीडोमोनास बैक्टीरियाज। सेकेंड वन इज़ द एनएरोबिक बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती फॉर देयर ग्रोथ, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ग्रो कर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पायरोजेट्स। थर्ड वन फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो या ना हो ये ग्रो कर जाते हैं। तो ऐसे बैक्टीरियाज कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एशरिशिया कोलाई और ई कोलाई। लास्ट टाइप ऑफ द बैक्टीरिया, दैट इज़ द माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरियाज। ये ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो बहुत ही कम कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ग्रो कर जाते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं रिक्वायर्ड होती, फॉर एग्जाम्पल कैम्पाइलोबैक्टर बैक्टीरियाज। दिस इज़ ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन इन बैक्टीरियाज। आई होप यू वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।